हेलो नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको इस खबर में बताने जा रही हूँ उसमें महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए या फिर छात्राओं के लिए। तो महिलाओं को नौकरियों में 40% आरक्षण, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये किस सरकार की तरफ से आपको ये सब मिलेगा, जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा बता देती हूँ कि महिलाओं को नौकरियों में 40% आरक्षण मिलेगा, 10+2 में छात्रा को स्मार्टफोन, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,000 मानदेय। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। आंगनवाड़ी बहनों के लिए, आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका मानदेय 10,000 होगा। इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। स्नातक में छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और 10+2 में छात्रा को स्मार्टफोन, यानी छात्राओं को स्मार्टफोन, छात्राओं को स्कूटी, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, हमारी बहनें हैं, उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और महिलाओं को नौकरियों में 40% आरक्षण। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में ये सारे जो आरक्षण वगैरह हैं, ये प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए जारी किया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है प्रियंका गांधी जी ने। इन्होंने चुनाव और नौकरियों में 40% आरक्षण, स्मार्टफोन, स्कूटी देने के वादे किए हैं। तो जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की कागज पर न रहे। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। तो ये कब कहा प्रियंका गांधी जी ने? ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो हैं, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना रहे। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी, सरकारी पदों पर 40% महिलाओं को की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 10 आवासीय खेल अकेडमी, लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल खोलेंगे। प्रियंका ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया। वादे तो हर सरकार करती है, पर उन वादों को पूरा करना कुछ ही सरकार पूरा करती है उन वादों को। तो आप सोच समझ के जो भी आप करेंगे वही सही होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।